हम जापान जाएंगे, फिर हांगकांग जाएंगे, फिर सिंगापुर जाएंगे, और ये सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद हम कनाडा का लाएंगे। ये वीडियो खास उनके लिए है जो लोग यहाँ से मतलब फिलीपीन से कनाडा जाना चाहते हैं और यूरोप जाना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए है। बाकी लोग अगर इस वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको जाना है वो ध्यान से इस वीडियो को देख लें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और काफ़ी दिनों से अपने को मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 महीने में 3 लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे किया था कि वो यहाँ पर आना चाहते हैं और यहाँ से कैनेडा जाना चाहते हैं, और एक आदमी ने बोला था कि यूरोप जाना चाहते हैं। तो वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो पूरा मैं एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूँ। तो पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आया हूँ कब्रिस्तान में, ये देख सकते हो। और क्योंकि अपने को चाहिए एक शांत सी जगह चाहिए थी अपने को, जो कब्रिस्तान से ज़्यादा शांत तो कुछ नहीं होता, लेकिन काफ़ी हवा चल रही है तो हो सकता है कि वॉइस की प्रॉब्लम हो, क्योंकि काफ़ी हवा है चल रही है। तो और एक और ख़ास बात, ये देखो पीछे कब्रिस्तान में ये पीछे घर बने हुए हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये घर नहीं है, अमीर लोग हैं उन्होंने अपने जो उनके घर वाले हैं जो बूढ़े होंगे, ऑफकोर्स मर गए होंगे, तो उनको दफनाया है ये घरों में, ये पीछे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे उन्हें दफनाया, और हर साल जब भी यहाँ पे हेलोवीन होता है तो वो यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, रात रहते हैं और कुछ इस तरह से मतलब। तो मैंने पूछा कि मैं थोड़ा हैरान हुआ कि बिल्कुल कब्रों के सामने घर है, तो मैंने पूछा सिक्योरिटी गार्ड से, वो बोला कि घर नहीं है, मतलब उसने मेरे थोड़ा एक्सप्लेन किया तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अभी हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि उनकी जॉब है इंडिया में जैसे 20,000 से 30,000 के बीच में, उन्होंने बताई 3 लोग थे तो उन्होंने अपनी सैलरी अच्छी बताई। तो मैंने उनको एडवाइस दी कि आप क्यों आना चाहते हो यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमने सुना है कि फ़िलीपीन से जो है वीज़ा इजीली लग जाता है कनाडा का और यूरोप का। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। तो थोड़ा उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया कि ऐसे ऐसे हमें एंट्री करनी है, तो ठीक है मुझे उन्होंने जैसा बताया ठीक है, मैं आपको थोड़ा अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो लोग आना चाहते हैं, ऑफकोर्स उन्हें पहले पैसे दे के आना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 2 लाख इंडियन रुपीज़ लिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे आने का। ऑफकोर्स वो ही ज़्यादा जाना चाहते हैं जो उनका कोई होता है। और थोड़ा मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। देखो अगर आप फिलीपीन में आते हो, ठीक है, पहले तो आपको आने का खर्चा करना पड़ेगा, 1.5 से 2 लाख के बीच में अगर आपका खर्चा होता है तो आप आते हो। उसके बाद आपको पेपर कंप्लीट करने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट अगर एजेंट के थ्रू आते हो, फिर बाद में पेपर कंप्लीट करते हो, और अगर पासपोर्ट का चक्कर वक्कर चेंज करने का चक्कर वक्कर हुआ, तो ऑलमोस्ट आपका सारा प्रोसेस का 4.5-5 लाख इंडियन रुपीज़ लग जाएगा, ठीक है। उसके बीच में मतलब आने का खर्चा, उसके बीच आपका पेपर बनवाने का, अगर पासपोर्ट चेंज का कोई चक्कर वक्कर हुआ, तो वो सारा मैं कंप्लीट करके आपको आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पे इतना लग जाता है जो 9G के पेपर वगैरह बनाते हैं वो, क्योंकि शादी के पेपर में 9G से कम खर्चा आता है, बहुत कम खर्चा आता है, लेकिन 9G का इस तरह से चार्जेस किया जाता है। अब ऑलमोस्ट फिलिपिनो 1,50,000 लिया जाता है, ठीक है। तो 1,50,000 अगर फिलिपिनो है तो आप इंडिया में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसके बाद अगर पासपोर्ट का कोई चेंज वेंज करने का चक्कर भी यहाँ पे पड़ता है, तो अगर वो भी करना पड़ा तो फिर वो अलग से खर्चा होगा, वो भी आप मान के चलो कि 50-60 हज़ार पैसों लग जाएगा, चेंज वेंज, उसके बाद स्टैंप वगैरह लगाना, ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप 5 लाख इंडिया का मान के चलो कि आपका खर्चा हो जाएगा। तो अब आपके पेपर भी बन गए, आप आ गए, अब क्या, उसके बाद ऑफकोर्स आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कहा जाता है कि आप कुछ टाइम यहाँ पे काम करो। स्कूटर लेना पड़ेगा, लाइसेंस बनाना पड़ेगा, काम में पैसे डालने पड़ेंगे। आप मान के चलो कि 1.5 से 2 लाख ये भी लग जाएगा, उसके बीच स्कूटर भी आ जाएगा, उसके बीच लाइसेंस भी बन जाएगा, उसके बीच आपके काम में भी पैसे
डल जाएंगे, थोड़ा बहुत अपना सामान भी लोगे, जैसे कुछ जो ज़रूरी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं घर में सब कुछ लोगे, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख लग जाएगा, इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ। और 5 लाख आपका पहले लगेगा, उसके बाद 2 लाख, वो 7 लाख ऑलमोस्ट हो गया आपका, ठीक है। तो उसके बाद क्या, 7 लाख आपने अभी तक लगा दिया, उसके बाद क्या, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा आपको, अगर आपको किसी कंट्री का ट्राई करना है, ठीक है, आपने वो भी खुलवा लिया। और आपने, और कुछ लोग सोचते हैं कि वो आते ही पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे और इंडिया वो डालते रहेंगे फिलीपीन से पैसा जितना बनेगा। तो पहली बात तो मैंने लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया था कि कुछ महीने तक तो पैसा ज़ीरो, मतलब कुछ भी नहीं आप डाल सकते। अगर आपने अपना ही पैसा सपोज जो आपने काम में डाला है, ठीक है, कलेक्शन कर ली, वो आपने इंडिया डाल दिया, तो यहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो लंगर भी गुरुद्वारा में छकना पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर आपका काम ख़त्म हो गया, और हज़ारों उदाहरणे पड़ी हैं यहाँ, ठीक है। तो एक बात मैं और शेयर करता हूँ, ओके, ये सारा प्रोसेस आपने कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, छोटे मोटे डॉक्यूमेंट है, चलो वो भी आपने कंप्लीट कर लिए, वैसे थोड़े हार्ड हैं, जैसे इंश्योरेंस वगैरह ये होते हैं ना, थोड़े मुश्किल है, चलो आपने कर लिए, सारा कुछ हो गया आपका, आपने 7-8 लाख या 10 लाख के बीच यहाँ पे सब कुछ प्रिपेयर कर लिया और आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। आपने जो इंडिया में जॉब थी उसे आपने लीव कर दिया, आपने 1 साल तक यहाँ पे पैसा भी इंडिया नहीं डाला आपको उस काम में, यहाँ पे पैसे लॉन्ग टाइम तक लोग नहीं डालते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद, अप्लाई करने के बाद अगर वीज़ा नहीं लगा तो क्या, ये लोग अपनी कम्युनिटी नहीं सोचती, वो श्योर होते हैं कि वीज़ा लगेगा ही लगेगा। मैं हैरान हो जाता हूँ कि श्योर कैसे हो सकते हो आप, ठीक है, चलो अगर वीज़ा नहीं लगा तो, क्योंकि सेम रिक्वायरमेंट्स है, जैसे इंडिया से रिफ्यूज़ हो जाता है यहाँ पे भी रिफ्यूज़ हो जाता है, नॉर्मल है, होता है, फिलिपिनो लोगों का भी हो जाता है, इंडियंस का भी हो जाता है। तो अगर इतना सारा आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो क्या, इसके बारे में भी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा तो सोचना, क्योंकि जिनकी अच्छी सैलरी है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे मैसेज किए थे कि एक की सैलरी थी 28,500 इंडियन करेंसी में, इंडिया में 28,500, तो एक की थी 25,000, और एक ने अपनी सैलरी बताई थी 22,000 इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ, तो 22,000-25,000, इसका मतलब आपके मिडिल क्लास हो, एक अच्छी ठीक ठीक ठाक आपकी इनकम है इंडिया में, तो वो सब कुछ आप छोड़ के यहाँ पे आ रहे हो, आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि यार क्या नेगेटिव सी बातें करता रहता है, पॉजिटिव सोचा करो। देखो, पॉजिटिव हर कोई सोचता है और सोचना चाहिए भी, लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट आप नहीं सोचोगे तो उसका रिज़ल्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। दो लोग हैं यहाँ पे जो मुझे मालूम है, मतलब उन्होंने मुझे बताया था, जैसे हम मिलते रहते हैं ना लोगों से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि दो लड़के हैं, एक लड़का आया था कनाडा के चक्कर में यहाँ पे, एक लड़का आया था यूरोप के चक्कर में, ठीक है। और अभी तो मतलब लॉन्ग टाइम हो गया है, मतलब एक को 2 साल हो चुके हैं और एक को 3 साल कुछ महीने उसने बताया था कि हो चुके हैं, तो वो अभी भी यहीं पे हैं, उन्होंने पहले पेपर बनवा लिए, ये वो कर लिया, उनका वीज़ा रिफ्यूज़, उनमें से एक का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, एक तो वीज़े तक पहुंच ही नहीं पाया, मतलब उसने सोचा था कि काम करेंगे पैसा कमा के, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, जैसे कि हर कोई सपने देखता है, तो एक तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, एक ने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था और ऑलमोस्ट उसने मुझे बताया था कि 11 लाख इंडियन लग गया, उसके बाद में क्या हुआ, रिफ्यूज़, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो वो कहीं नहीं गया, यहीं पे है अभी भी, और वो बोलता है कि इंडिया डाल देता है 8-10 हज़ार इंडियन रुपीस में, तो वो बोला मतलब टिका हुआ है आस के ऊपर के कुछ होगा। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है कि आप बाद में आस पे मत टिक जाना कि कुछ होगा, तो होप करता हूँ यार बहुत से लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि मेरा कहने का मतलब क्या। देखो, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप यहाँ पे आके वहाँ पे जाते हो, कोई फ़ायदा नहीं, और मेरा कोई नुकसान भी नहीं है अगर आप यहाँ पे आके
यूरोप में जाते हो, कनाडा में जाते हो, तो मेरा कोई नुकसान तो है नहीं, लेकिन अपना वीडियो का पर्पस क्या है कि आप लोग फंस ना जाओ, ठीक है। दो लोग तो मुझे मालूम है और मैंने उनको बोला भी कि आप वीडियो में आओ, ठीक है, और लोगों को सच बताओ, ठीक है। तो वो बोले कि नहीं यार, वीडियो में नहीं आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि जब भी वीडियो में आएंगे तो यार हो सकता है हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी देखें, यार बेइज्जती सी हो जाएगी अपनी मतलब फैमिली की, क्योंकि सभी को यही कह के आए हैं कि कनाडा जाना है, ठीक है, लॉन्ग टाइम से यहीं पे हैं, तो यार बेइज्जती हो जाएगी यार। तो ठीक है, मैंने भी थोड़ा उनका कहने का पॉइंट समझा कि हाँ वो कहाँ पे बोल रहे हैं, कि मैं समझ सकता हूँ उनकी सिचुएशन कि बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि आए तो थे कनाडा के चक्कर में, आए तो थे यूरोप के चक्कर में, तो अभी वो वीडियो के आगे नहीं आना चाहते। और मुझे ठीक भी लगा कि हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो दो लोगों का तो मुझे मालूम है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि उनके अलावा और कितने लोग होंगे यहाँ पे यूरोप और कनाडा या किसी और कंट्री के चक्कर में यहाँ पे आए होंगे और यहीं पे घूम रहे होंगे। आइडिया लगा सकते हो, दो तो मुझे मालूम है और कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे होंगे जो इस चक्कर में आए होंगे। तो अपना वीडियो का पर्पस है ये है कि यार बी केयरफुल, आप ऐसा जैसे आप सपने सजाते हो ना। और एक और उदाहरण देता हूँ, एक लड़के ने मुझसे चैटिंग की थी, उसने कहा था कि वो एक लड़की के साथ बातचीत कर रहा है, तो पहले वो फिलीपीन में आएगा और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। कैसे ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा? मैंने उससे कहा भी था कि आप कैसे ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे, आपके पास वीज़ा है मतलब सिटीज़न हो ऑस्ट्रेलिया में, कैसे? नहीं नहीं, वो बोले कि मेहनत करके चला जाएगा। तो कैसे मेहनत करके चला जाएगा, आई डोंट नो कैसे। और लड़की को भी साथ में लेके जाना है, कैसे, क्या कैसे सोच लिया आपने? यहाँ पे आए, लड़की को लिया ऑस्ट्रेलिया, कैसे? थोड़ी मेरी समझ के बाहर की बातें हैं, लेकिन लोग कर रहे हैं ऐसा, सोच रहे हैं, ड्रीम से होते हैं। देखो, अपना किसी का ड्रीम ब्रोक करने का आइडिया नहीं है, किसी को हर्ट करने का आइडिया नहीं है, अपना कुछ भी ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन बोलते हैं ना कि सच जो है थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन जब भी आप अगर आप आते हो, ठीक है, जब भी आप, आपने ऑलरेडी मेरी वीडियो देख रखी होगी, तो अगर जब भी आप इस सिचुएशन से गुजरोगे और उस दिन आप याद करोगे कि मैंने ये बातें बोली थी और यार सच में ये रास्ता गलत चूज़ कर लिया, तो अभी तो कड़वी लगेगी शायद, लेकिन जब भी आप इस स्टेज पे होगे और अगर आपका काम बन रहा होगा, तो उस दिन शायद ये बात आपके लिए सच हो जाएगी कि काफ़ी हार्ड है। और कुछ लोग सोचते हैं कि जापान से पहले हम जापान जाएंगे, फिर हांगकांग जाएंगे, फिर सिंगापुर जाएंगे, और ये सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद हम कनाडा का लाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आपका 10-15 लाख तो लग जाएगा ना, पेपर बनवाओगे, सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जापान जाओगे, सिंगापुर जाओगे, हांगकांग जाओगे, उसके बाद कनाडा का भी अप्लाई करोगे, ऑलमोस्ट 10-15 लाख तो लग जाएगा आपका। तो इसमें और इंडिया में डिफरेंस क्या हुआ? 14-15 लाख में तो इंडिया से भी जाते हैं लोग, तो डिफरेंस क्या हुआ? मुझे ये आइडिया नहीं आ रहा कि क्या डिफरेंस क्या हुआ। और रिफ्यूज़ होने के चांसेस तो फिर भी पूरे हैं, तो आप लोग इंडिया से ही क्यों नहीं ट्राई करते? इंडिया से तो इतना ख़र्चा भी नहीं आता, रिफ्यूज़ होता है या नहीं यही देखना है। तो इंडिया से आई थिंक एजेंट की फ़ीस कितनी होती है? 10-15 हज़ार या 20 हज़ार, चलो 50 हज़ार मान के चलो। एम्बेसी की फ़ीस, आपके पूरे डॉक्यूमेंट कर लो, इंडिया से ट्राई करो ना, तो प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में तो डॉक्यूमेंट इजीली पूरे हो जाते हैं, आपके पास अच्छी जॉब है, ठीक है, 25,000-30,000 आप शो कर सकते हो, अकाउंट आप आराम से खुलवा सकते हो, उसके बाद आप इंडिया से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आने का क्या मतलब हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आया। और एक बात और, जो लोग यहाँ पे आते हैं ना कनाडा जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, वो यहाँ पे काम भी नहीं सेट कर पाते, क्योंकि उनका पर्पस होता है अनदर कंट्री, क्योंकि उन्हें अनदर कंट्री में जाना है, तो यहाँ पे अच्छे से काम भी नहीं वो कर पाते, और यही सच है, और फिर यहाँ पे घूमते रह जाते हैं। बी केयरफुल।